नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे ये अपने YouTube चैनल यूनिक ट्रिक्स एंड टिप्स पे। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि पेटीएम जो है अभी मिनी KYC का ऑप्शन बहुत सिक्योर कर दिया है पहले से, और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा अगर आपको मिनी KYC का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो कैसे आप मिनी KYC का ऑप्शन ला सकते हैं, कैसे आप मिनी KYC कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर KYC करके एक परमानेंट अकाउंट रखना चाहते हैं तो आपको कैसे करना पड़ेगा, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो कर लेना है, प्ले स्टोर में जाके अपना पेटीएम ऐप को अपडेट, अगर आपके पेटीएम ऐप अपडेट नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद जो है पेटीएम ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है आप गेट KYC का ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको फिर भी ये दिखाई नहीं दे रहा है तो सिंपली आप पे करने के टाइम जो है, किसी को अगर मान लो आप पे कर रहे हो तो अगर आपका KYC किया हुआ नहीं है तो इस टाइम पे जो है पॉपअप आएगा कि गेट योर KYC डन, तो उस टाइम पे भी जो अपना मिनी KYC या फिर बायोमेट्रिक KYC, वो दोनों अपना कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर सिंपली आप क्लिक करोगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करोगे, उसके बाद अदर गवर्नमेंट ID पे यूज़ करके यहाँ पे जो है अपना सही सही डिटेल्स, यहाँ पे अगर फेक आप दोगे तो आपका कुछ काम नहीं बनेगा, सही सही डिटेल्स फिलअप करके जो है यहाँ पे सबमिट कर देना होगा, ठीक है। अगर आप सही सही डिटेल्स दे रहे हो फिर भी अगर नहीं ले रहा है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको पेटीएम कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, अपना डिटेल्स जो है वेरीफाई करके बोलना पड़ेगा, देखिए भैया मेरा ये डिटेल्स नहीं ले रहा है, क्या प्रॉब्लम है आप बताइए। तो वो सिंपली बताएगा कि docs@paytm.com, नीचे मैं ईमेल ID भी दे दूंगा, पहले आप कॉल कर लीजिएगा, अगर वो लोग एग्री होते हैं तभी, ठीक है। उस पे जो है अपना जो वोटर कार्ड या फिर ID प्रूफ का जो है डिटेल्स, उसको पिक्चर लेके वहाँ पे भेजना होता है और साथ में प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भी भेजना होता है, तो वो लोग जो है अपना KYC प्रोसेस कर देता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ, ऐसा हो सकता है कि आपका KYC का डिटेल्स कोई और बंदे ने इस्तेमाल किया होगा, तो इस वजह से जो है उस डिटेल से दोबारा KYC किसी भी नंबर से किया नहीं जा सकता। तो पेटीएम वाला सिंपली क्या करता है, आपका डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लेता है, हाँ आप ही पर्सन हो और आप ही दे रहे हो KYC डिटेल्स, तो जिस भी नंबर पे वो एक्टिवेट है उस नंबर पे वो डीएक्टिवेट कर देता है, और आप जिस नंबर पे बोलते हो उस नंबर पे वो एक्टिवेट कर देता है। यही है बेसिक सा मेथड, ठीक है। कोई भी यूट्यूबर ये आपको नहीं बता पाएगा कि ऐसा मतलब अगर एरर दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको इधर उधर नहीं जाना है, सिंपली कॉल लगाना है पेटीएम कस्टमर केयर को, अपना प्रॉब्लम बोलना है, वो लोग बोलेंगे docs@paytm.com पे अपना KYC का जो मतलब डॉक्यूमेंट है, वोटर कार्ड या फिर पैन कार्ड, उसका पिक्चर भेजने के लिए, तो सिंपली आप जो है पिक्चर भेज दीजिए, आपका जो KYC है 14 से 15 दिन में हो जाएगा, ये काम इंस्टेंट तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, बट ठीक है। बट अगर आप सोच रहे हो भैया कि अभी भी जो है आप ऐसा करके फेक KYC करोगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, वैसा आप किया नहीं जा सकता। हाँ, ये बात अलग है, अगर आपके पास बहुत सारा जो है वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड का डिटेल्स मेंशन किया हुआ है तो आप कर भी सकते हो थोड़ा दिन बाद से, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप जो मतलब पहले कर रहे थे, जैसे कि आपने मुझे फेसबुक में बताया, व्हाट्सएप पे बताया, वैसा काम अभी दोबारा से आप लोग नहीं कर पाओगे, ये थोड़ा सा करना पेटीएम ने मुश्किल कर दिया है। तो अगर आप सोच रहे हो कि फेक KYC करके अभी भी जो है कैशबैक ले सकते हो तो ये गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि जिन्होंने किया है उनका क्या हो, देखिए दोस्तों, पेटीएम जो है वेरीफाई कर रहा है अभी भी, और स्टेप जो है फर्दर वो लेगा, लेकिन वो स्टेप क्या होगा ये अभी जो है पब्लिकली उसने नहीं किया है, लेकिन जो भी होगा अच्छा खासा ही होगा, आपको
थोड़ा तकलीफ दे सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। अगर आपको भी कोई केवाईसी के रिगार्डिंग सवाल है, कुछ भी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो फिलहाल इतना ही। अगर आपने ओयो ऐप को अभी भी डाउनलोड नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में से ओयो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और 2 जून को रेफर कर दीजिए। आपको जो है सिंपली 50 रुपये कैशबैक मिल जाएगा पेटीएम मिनी केवाईसी अकाउंट पर। तो ओके दोस्तों, गुड बाय।